तो वो वहाँ पे जब पाकिस्तान पहुँचेगा तो नारे लगेंगे मुर्दाबाद के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सच है वो हमें कहना चाहिए। जो उन्होंने किया है यकीन जाने उनके प्लेयर्स की तो पहले ही हमारे दिल में बड़ी जगह है, चाहे वो विराट कोहली हो, कोई भी हो। इसके ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, मतलब जाते ही उन्होंने कैसे उन्हें अपने रंग में रंग दिया। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, जब पाकिस्तान टीम ने खुद एंट्री मारी इंडिया की मुल्क में तो उनको बड़ा हिस्ट्रिकल स्वागत किया गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं जय श्री राम का हमारे जो भगवान है उनके सिंदूर कन से उनसे स्वागत किया गया, यानी पाकिस्तानियों सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान की तरह उनको भी स्वागत किया गया, यानी कहते हैं ना अतिथि देवो भव, इसलिए उनका ऐसे स्वागत किया गया। हमारे तो कल्चर में यही है, चाहे कोई अच्छा है बुरा है कि हमको अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन हाँ अभी भी टाइम है पाकिस्तानियों सुधर जाओ, क्योंकि आप लोग तो हमेशा इंडिया के पीछे पड़ते हो बिना वजह के बचे। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते, बस बाबर आजम नंबर वन है आजकल, इसलिए उन्होंने रंग दिया। अगर ये भी कोई जलील हो रहा होता तो ना रंगते इसको भी, नंबर वन है बैटिंग में, इसलिए ऑनर की बात है ना कि उन्होंने अपने भगवान के रंग में बाबर आजम साहब को रंग दिया है। जिस तरह का उन्हें रंग दिया है, आप देखें तो इस पर आपकी क्या राय है? माशाल्लाह खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, पर मुझे नसीम शाह ज्यादा अच्छा लगता अगर उसे रंग। यही नहीं, अभी और सुनिए, पाकिस्तानी टीम का इतने अच्छे से इस्तकबाल किया, मैंने ये भी कल सुना था कि बाबर आजम जैसे ही मतलब कि भारत पहुंचे हैं उनका इस्तकबाल किया गया, उनका इस्तकबाल देखकर इतने प्यार मोहब्बत खलूस देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, इंडिया ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए भाई। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हो, जबकि हिस्ट्रिक वेलकम के बाद पाकिस्तान टीम का, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फैन बहुत खुश हैं, और इसके चलते उन्होंने बहुत अच्छे से कमेंट्स दिए इंडिया की तरफ से। कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान में भी इंडिया के बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, इंडिया के लिए उनका जो नेचर है ना सॉफ्ट है पहले जैसे, यानी हम इसे हेट करते हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा हमको लग रहा है। तो वीडियो आगे देखिए और कुछ मजा होने वाला है। वो एक कहते ना क्रिकेट है गेम है, कप कौन लेके जाता है ये किस्मत की बात है, लेकिन इस हरकत की वजह से उन्होंने दिल जीत लिए हैं, अब कप ले भी जाए तो दुख नहीं है। फ्यूचर खेलना चाहते हैं इंग्लैंड के लिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंग्लैंड के लिए जी, पाकिस्तान के लिए नहीं? नहीं नहीं, पाकिस्तान के लिए। क्यों? बस है कोई वजह, नहीं बता सकते। बता दें थोड़ी, हमारे साथ भी शेयर कर लें कि पाकिस्तान के साथ आप क्यों नहीं खेलना चाहते। जी मैं बाबर आजम को बोल्ड करना चाहता हूँ, इसलिए इंग्लैंड में खेल। सो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मत भूलना कि अगर हिंदू हो आप लोग तो जैसे मैं बोलना, अगर आप लोग बाबर आजम के फेवरेट फैन हो तो कम से कम लव यू बाबर लिख देना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।